हेलीकॉप्टर हादसे के फौरी बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दिल आजारी हुई। बेहिसी का रवैया नाकाबिल कबूल है। हर सतह पर इसकी मजम्मत होनी चाहिए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म का बयान दिया जाता है जिसके कोई सबूत नहीं। जब ये इंसिडेंट, तो उसके फौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा और डेरोगेटरी और इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने, और विच वाज वेरी हर्टफुल। और ऑलरेडी शुदा की फैमिलीज और इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ और पूरी कौम एक बहुत गर्भनाक कैफियत से गुजर रही थी, और ये हम सब कलेक्टिवली ही कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल तौर पे नहीं कर सकते। सो इसलिए इस आज हमने ये प्रेस रिलीज दिया, क्योंकि इसको उजागर करना बहुत जरूरी था। मेरे ख्याल में तो फॉरेन ऑफिस ने बहुत वाजे तौर पे इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि इसमें कोई दूसरा शक वाली बात नहीं है। इसकी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस किस्म की चीज के लिए इस्तेमाल हुई हो। हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उनकी तरफ से ये चीजें फीड की जाती हैं, इनको एक्सप्लॉयट किया जाता है। हम पहले भी कई मरतबा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात कर चुके हैं। तरह से बेजा किस्म की स्टेटमेंट दी जाती हैं जिनका कोई किसी किस्म का ना किसी के पास एविडेंस है और ना किसी किस्म का कोई जवाब पैदा होता है, और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का, अपनी कौम का होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।